हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे एकाकी व्यवसाय के गुण, जिसमें हम पहला गुण पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा गुण पढ़ेंगे, सूचना की गोपनीयता। सूचना की गोपनीयता एकाकी व्यवसाय में सूचना की गोपनीयता पाई जाती है। सूचना की गोपनीयता क्यों पाई जाती है? क्योंकि एकाकी व्यवसाय में संपूर्ण लाभ प्राप्तकर्ता अकेला व्यक्ति होता है। उसे जितना भी लाभ होता है, उस संपूर्ण लाभ को प्राप्त करने वाला वह अकेला व्यक्ति होता है, तथा संपूर्ण हानि को वहन करता भी अकेला व्यक्ति ही होता है। उसे व्यवसाय के लाभ व हानि की जानकारी किसी भी अन्य पक्षकार को नहीं देनी पड़ती है। इसलिए इसमें सूचना की गोपनीयता पाई जाती है, अर्थात जो सूचना है उसे हम गुप्त रूप में रख सकते हैं या छुपा करके रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि इसे अपनी जो सूचना है उसकी जानकारी किसी को भी नहीं देनी पड़ती है। क्यों नहीं देनी पड़ती? क्योंकि अकेला व्यवसायी होता है और वह संपूर्ण लाभ प्राप्त करता होता है, तथा यदि हानि होती है तो हानि को वहन करता भी संपूर्ण होता है, तथा इसे अपने जो लेखे हैं, व्यवसाय का जो लेखा होता है, आय व्यय का जो ब्यौरा होता है, उसकी जो जानकारी है वह भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देनी पड़ती है, तथा अपने जो लेखे हैं उनका इसे अंकेक्षण, जिसे हम निरीक्षण भी कहते हैं, नहीं करवाना पड़ता है। इसलिए इसमें जो सूचना है वह गुप्त रखी जा सकती है, अर्थात सूचना की जो गोपनीयता है वह पाई जाती है। अगला जो गुण है वो है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन एकाकी व्यवसाय में जो व्यवसायी है उसको प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलता है, अर्थात वह जो कार्य करता है, जो लाभ प्राप्त करता है, उस लाभ का उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें उसको जितना अधिक लाभ होता है वह लाभ उसके पास अकेले के पास रहता है, जिससे कि इसे प्रत्यक्ष रूप से उस लाभ का फीडबैक मिलता है या प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, एकल स्वामी संपूर्ण लाभ प्राप्त करता होता है। संपूर्ण लाभ प्राप्त करता होता है तथा हानि होने की दशा में संपूर्ण हानि को वहन करता भी अकेला ही होता है। वह इसलिए वह अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करता है। वह
उन्हें लगातार बढ़ाने की कोशिश करता है जिससे उसे प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलता है जो अगला गुण है वो है उपलब्धि का एहसास उपलब्धि का एहसास उपलब्धि का एहसास एकाकी व्यवसाय में व्यवसायी को जितना अधिक लाभ होता है।